राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है साल की सबसे बड़ी एकादशी, निर्जला एकादशी। क्या आप लोगों को पता है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से नहीं, तीन प्रकार से नहीं, चार प्रकार से रखा जाता है। जी हाँ, ये मैं शास्त्र प्रमाण की बात कर रही हूँ। बरहा पुराण से ये मैंने लिया है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो चार प्रकार से रखा जा रहा है। चाहे तो आप 17 तारीख का व्रत कर रहे हो या फिर 18 तारीख का व्रत कर रहे हो, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत इन चार प्रकार में से आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आपको संपूर्ण निर्जला एकादशी के व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत चार प्रकार से कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला प्रकार से निर्जला एकादशी का जो व्रत रख सकते हैं वो ये है कि आप दसवीं तिथि को, फॉर एग्जाम्पल आप 18 तारीख को व्रत कर रहे हैं निर्जला एकादशी का, तो आपने दसवीं तिथि की शाम तक, अर्थात जैसे ही दसवीं तिथि का सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद आपने पानी का त्याग कर दिया। पानी के साथ साथ खाने का भी त्याग कर दिया। खाने का त्याग तो आप सूर्य अस्त के बाद वैसे ही कर देते हो, तो खाने के साथ साथ आप लोग पानी का भी त्याग कर दीजिए। दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्य उदय होने के बाद, हरिवासन समय निकलने के बाद, व्रत का पारण करने के बाद ही आपको पानी पीना है। अर्थात मोटा मोटा अगर मैं ये कहूँ कि दसवीं तिथि की शाम से लेकर, अर्थात 17 तारीख को सूर्यास्त के बाद आपने पानी छोड़ दिया, 17 तारीख को पूरी रात पानी नहीं पियोगे सूर्यास्त के बाद, 18 तारीख को पूरे दिन पानी नहीं पियोगे, 19 तारीख को जब आप व्रत के पारायण का समय होगा, उस पारायण के समय में भी जब आप 11 लोगों को पानी पिला दोगे, उसके बाद व्रत का पारण करोगे, तब आप पानी पी सकते हो। पहला विधान तो ये होता है। ये थोड़ा टफ होता है और वैसे सही मायने में देखा जाए तो व्रत रखने का नियम यही होता है और ये सबसे पहला तरीका है। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप इस प्रकार का भी व्रत रख सकते हो। दूसरा व्रत जो कि बहुत जरूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे तरीके का जो व्रत होता है, दूसरे तरीके का व्रत ये होता है कि दसवीं तिथि के सूर्य उदय के बाद से लेकर, जब तक सूर्य उदय नहीं हो रहा तब तक तो हम पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना तो हमको रात्रि को ही छोड़ देना है, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं हो रहा है, अगली तिथि प्रारंभ नहीं हो रही है, तब तक हम पानी पी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 तारीख को एकादशी है तो 17 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक हम लोग पानी का सेवन कर सकते हैं। सुबह 3-4 बजे तक पानी का सेवन करा और जैसे ही उदया तिथि प्रारंभ हुई, सूर्य उदय की पहली किरण के साथ ही हमने पानी छोड़ दिया। सूर्य की पहली किरण अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:05 पे आप मान लीजिए, एग्जाम्पल मान रही हूँ, तो आपने 4 बजे तक पानी पिया, सुबह सुबह 18 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे तक पानी पिया और उसके बाद आपने पानी का सेवन निषेध कर दिया। अब आप कब करेंगे? जब आप व्रत का पारण करेंगे 19 तारीख को, पारण करने के बाद 10-11 लोगों को जल पिलाने के बाद फिर आप पानी का इनटेक करेंगे। ये आपको दूसरे तरीके से मैंने बताया है कि दूसरे तरीके से व्रत किस प्रकार रख सकते हैं। पहले तरीके से तो सूर्यास्त के बाद पानी खत्म, दूसरे तरीके में सूर्य उदय के बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो ये दो तरीके बता दिए। ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये होता है कि आपने सूर्य उदय के बाद पानी नहीं पिया, फॉर एग्जाम्पल, और सूर्य उदय के बाद और सूर्य ढलने तक, मतलब सूर्य उगते के साथ ही पानी छोड़ रहे हो, सूर्य ढलने तक आपने पानी छोड़ा है और जैसे ही सूर्य ढल गया शाम के समय आपने पानी पी लिया, ये तीसरा तरीका होता है। जैसे कि उदाहरण के तहत मैं आपको समझाना चाहूंगी, 18 तारीख को जब आप व्रत रख रहे हो तो जब सूर्य उदय हुआ, अर्थात सूर्य जब निकला तब से आपने पानी छोड़ दिया, और जब सूर्य ढल गया शाम को 7-8 बजे, तब तक आपने पानी छोड़े रखा, और जब सूर्य पूरी तरीके से ढल गया तो उसके बाद आपने शाम के समय 18 तारीख को ही पानी का सेवन कर लिया। ये होता है तीसरा तरीका व्रत रखने का। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा तरीका व्रत रखने का। चौथे तरीके में आप लोगों ने, चौथे तरीके में जो व्रत रखते हैं वो उसमें ये बोलते हैं कि जब तक हम पूजा अर्चना वंदना नहीं कर लेंगे, चाहे हमें पूजा करने में 12 ही क्यों ना बच जाए, जब तक हम पूजा अर्चना वंदना नहीं कर लेंगे तब तक हम पानी का त्याग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 18 तारीख को आप सुबह सुबह उठे, अब आपने कहा कि आज मेरा एकादशी का व्रत है और जब तक मैं पूजा नहीं करूँगी तब तक मैं पानी ही नहीं पीऊँगी। आपको पूजा करते करते 10 बजे जब आपने पूजा कर ली, कथा पढ़ ली, आरती कर ली, तुलसी की परिक्रमा कर ली, तब आपने पानी पिया। तो ये भी एक तरीका होता है कि निर्जला एकादशी का। तो ये चार तरीके से निर्जला एकादशी रखी जाती है। चार में से कोई भी तरीका आप निर्जला एकादशी का अपना सकते हो।
सबसे पावरफुल जो तरीका होता है वो दूसरा तरीका होता है जो मैंने आपको बताया कि सूर्य उदय से लेकर अर्थात सुबह सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तक आपको पानी का सेवन नहीं करना होता। और हम भी इसी नियम को फॉलो करते हैं। जो भी हमें पानी का सेवन करना होता है 17 तारीख को, जैसे 18 तारीख को एकादशी का हम लोग व्रत रख रहे हैं, तो 17 तारीख को रात को 12 बजे भी पानी पियेंगे, 1 बजे भी पियेंगे, 2 बजे भी पियेंगे, 3 बजे भी पियेंगे और 4 बजे भी पियेंगे। लेकिन 4 बजे के बाद हम पानी छोड़ देंगे। फिर 18 तारीख को पूरे दिन पानी छोड़ेंगे और 19 तारीख को व्रत का पारायण करने के बाद अर्थात पहले ब्राह्मणों को बुलाकर 11 लोगों को पानी पिलाकर उसके बाद फिर हम पानी का इंटेक करेंगे। ये होता है सबसे सही तरीका। बाकी इन चारों में से आप किसी भी तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो। वो पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपके शरीर का सामर्थ्य कितना है। जितना आपके शरीर का सामर्थ्य है उस हिसाब से आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो। ये किस शास्त्र से लिखा हुआ है? तो ये बरहा पुराण से लिया गया है। बरहा पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 4 प्रकार से रख सकते हैं। जब आप सुबह सुबह संकल्प ले रहे हो ना, तो उसमें आपको बोलना है कि मैं ऐसा व्रत रख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का आपने व्रत रखना। तो जब आप संकल्प ले रहे हो तो आपको ये बोलना है कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रख रही हूँ। सूर्य अस्त के बाद मैं निर्जला एकादशी के व्रत का पालन तो करूंगी, लेकिन मैं पानी पी लूंगी। या फिर अगर आपसे व्रत नहीं रखा जा रहा तो आप पूरा दृढ़ संकल्प है आपका व्रत रखने, लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि जान पे बात बन पाए, तो उसी समय आप ये संकल्प पहले ही ले लीजिए कि जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है। क्योंकि जो आपने संकल्प ले लिया व्रत आपको उसी के अनुरूप रखना है। इसलिए संकल्प लेने से पहले 10 बार सोचिएगा कि किस चीज का संकल्प कैसे ले रहे हो और व्रत कैसे रख रहे हो। तो ये एकादशी से संबंधित थी वीडियो थी। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। केवल आपको अपने जन्म की तारीख मुझे भेजनी है। आप अपने जन्म की तारीख के आधार पर जान सकते हो कि आपका रिलेशनशिप इशू कैसा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, आपका बच्चा आगे जाके इन फ्यूचर क्या बनने वाला है, आपका बच्चा जॉब करने वाला है या बिजनेस करने वाला है, आपका लक्की नंबर क्या है, आपका लक्की कलर क्या है। ये सभी जानकारी केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। सारी कुंडली मैं फ़ोन पे बताती हूँ, पूरी जानकारी मैं फ़ोन पे देती हूँ। मैं खुद फ़ोन करती हूँ जब भी आपका नंबर आ जाता है और सारी जानकारी, कम से कम पास्ट की, फ्यूचर की और प्रेजेंट की जानकारी और उसके उपाय भी मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताती हूँ। तो अगर आपको कुंडली दिखवानी है तो मेरा नंबर है 4292025 65, इस पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। तो आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे बोल।